जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं शुभम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल बादशाह शुभम ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गाजीपुर में स्थित बीर अब्दुल हमीद सेतु तुको, जो कि गंगा नदी के ऊपर स्थित है। तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अभी वर्तमान समय में हम लोग हैं बीर अब्दुल हमीद सेतु से करीब 200 मीटर के पीछे, और आप देख सकते हैं ये बगल में काम चल रहा है, ये काम रेलवे का हो रहा है। अभी इस समय गंगा नदी के ऊपर से पटरियां बिछाई जा रही हैं, जिससे कि गाजीपुर सिटी को दिलदार नगर जंक्शन से जोड़ा जा सके और लोकल पैसेंजर ट्रेनें इधर से आ जा सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर कार्य प्रगति पे है, और अब हम लोग आ चुके हैं बीर अब्दुल हमीद सेतु पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं दूर से देखने पे कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, और ये बगल में भुट्टों के ठेले भी आप देख सकते हैं लगाए गए हैं, और ये देख सकते हैं आप रेलवे का कार्य प्रगति पे है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम किया जा रहा है। ये पिछले करीब 2 से 3 सालों से कार्य हो रहा है। दोस्तों, अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धामुपुर गांव में 1 जुलाई सन 1933 में एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्हीं के शहीद होने के बाद इस पुल का नाम बीर अब्दुल हमीद सेतु रखा गया था। इस पुल पे 11 फीट से ऊंचाई वाले वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यूपी बिहार को जोड़ने वाले गंगा नदी पर बने इस पुल पे रोज़ करीब 1000 से 1500 गाड़ियाँ आती जाती हैं। वीर अब्दुल हमीद सेतु की आधारशिला सन 1975 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया था। ये करीब 10 वर्षों के अंतराल पर बन के पुल तैयार हुआ। यह सेतु सन 1985 में आम जनों के लिए खोल दिया गया और इस पर स्वतंत्र रूप से कोई भी आ जा सकता था। उस समय इस पुल के निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया था। इस बीर अब्दुल हमीद सेतु की लंबाई करीब 1100 मीटर है, जो 12 पिलर और 26 ज्वाइंटर से मिलकर तैयार हुआ है। 1985 में बने इस पुल की उम्र कुल 100 साल आंकी गई थी, लेकिन ये 35 साल की उम्र में ही बूढ़ा नज़र आ रहा है। जानकार बताते हैं कि इसकी क्षमता से अधिक इस पे लोड होने के कारण ये दलक रहा है। अब इसके मरम्मत के साथ साथ इसके अस्थाई हल भी निकालने जरूरी हैं। पिछले 5 सालों में ये पुल कुल 6 बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। पहली बार यह पुल सन 2015 में क्षतिग्रस्त हुआ था। आप इस समय गंगा जी का जल स्तर कुछ देख सकते हैं, इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं ऊपर स्ट्रीट लाइट की भी अच्छी व्यवस्था है, ये देखने में काफ़ी आकर्षित लगता है। और आप देख सकते हैं गंगा जी इस समय बाढ़ के बाद कुछ इस प्रकार से देखने में लग रही हैं। आप देख सकते हैं ये ओवर ब्रिज के बगल में ये कहीं कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और ये इस साइड का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस ओवर ब्रिज पे सबसे अधिक ट्रैक्टर ट्राली और ऑटो का आवागमन होता है। अब चलते हैं ओवर ब्रिज के नीचे और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ से देखने पे कैसा नज़ारा लगता है। अब हम लोग आ चुके हैं ओवर ब्रिज के नीचे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बगल बगल में ऑटो लगी हुई है, और आप बगल में देख सकते हैं ये सब झाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं ये सब ओवर ब्रिज के नीचे आने पर ये सब दुकानें लगी हुई हैं और कुछ इस प्रकार से नज़ारे हैं। तो फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा ब्लॉग। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।